ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। जिस व्यक्ति को डॉक्टर बोल दे कि इसका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, नली डालनी ही पड़ेगी, उस व्यक्ति को ऑपरेशन कराने से पहले जो हर महीने की शिवरात्रि पड़ती है, उस शिवरात्रि को काला तिल और लाल चंदन इन दोनों को पीसकर इसका ओबटन बना ले और शंकर भगवान के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर इस ओबटन से शिवलिंग का लेपन कर देना और 1 या 2 मिनट या 5 मिनट इस ओबटन से शिवलिंग का लेपन करते रहना। उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलकर शिवलिंग का जल से अभिषेक कर देना है। फिर जो आपने काला तिल और लाल चंदन का ओबटन शिवलिंग पर लगाया था, वो थोड़ा सा शिवलिंग से पोंछकर किसी पात्र में ले लीजिएगा और घर आकर जो ओबटन शिवलिंग से पोंछकर लाए हो, उसी से थोड़ा ओबटन अपने वच स्थल पर 7 दिन या 8 दिन उसको लगाना है। उसके बाद 8 दिन के बाद फिर डॉक्टर से चेक करवाने जाओ और पूछना डॉक्टर से, क्या अब ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत है? तो डॉक्टर जो जवाब देगा उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे और डॉक्टर भी कि ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि बीमारी ही समाप्त हो गई। बस विश्वास रखकर ही ये उपाय करना, मेरे बाबा भोलेनाथ ऐसा चमत्कार करेंगे कि शरीर में नली तो क्या, सुई लगवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस भरोसा रखना और विश्वास के साथ करना। हर हर महादेव।